अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी। डेली वोकैबुलरी वर्ड इज इंडिफरेंट। इंडिफरेंट इज एन एडजेक्टिव एंड इट हैज टू डिफरेंट मीनिंग्स। वन इज हैविंग नो इंटरेस्ट, सेकंड इज ऑफ लो क्वालिटी। द फर्स्ट मीनिंग, हैविंग नो इंटरेस्ट। इफ अ पर्सन हैज नो इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर थिंग और इन अ पर्टिकुलर पर्सन और इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, यू मे से दैट पर्सन इज इंडिफरेंट अबाउट दैट थिंग और दैट पर्सन और दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। For example, if a person has no interest in politics, in world affairs, or he doesn't even care about it, you may say that that person is indifferent about world politics or world affairs. The second meaning of low quality. If you want to define the low quality or low standard of something, you may use this word indifferent. For example, if you bought a low quality dress, you may say, I bought an indifferent dress. Or if you watched a low quality or low standard movie last night in theater, you may say that movie was indifferent, means that movie was very low quality or low standard. Indifferent के जो है वो दो मतलब है, having no interest और of low quality। देखिए, अगर किसी इंसान को किसी चीज़ के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता है या वो उसके बारे में कोई केयर ही नहीं करता है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि वो इंसान जो है ना उस चीज़ के बारे में या उस बात के बारे में इनडिफरेंट है। मतलब कि उसको उस चीज़ में, उस बात में या उस इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो इवन कि उस बारे में केयर भी नहीं करता है, उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर समझ लें कि अगर एक इंसान को वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स चल रही है, ये वर्ल्ड अफेयर्स, जो भी दुनिया के जो मामला चल रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है, अगर एक इंसान को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, ठीक है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इट मीन्स कि वो इंसान जो है ना वो वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में जो है ना इनडिफरेंट है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जो होता है, हो कहाँ जंग चल रही है, कहाँ पीस है, कहाँ मसले हैं, कहाँ नहीं है, कहाँ खुशहाली है, कहाँ गम है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इट मीन्स कि वो पर्सन जो है ना वो दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उस बारे में इनडिफरेंट है, ठीक है। अब इसका जो सेकंड मीनिंग है ऑफ लो क्वालिटी, किसी भी चीज़ की अगर आपने ये बताना है कि ये चीज़ जो है ये बड़ी लो क्वालिटी का है या इसका स्टैंडर्ड बड़ा डाउन है, ठीक है, तो आप उसके लिए भी ये वर्ड जो इनडिफरेंट है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई ड्रेस खरीदा है और वो ड्रेस जो है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आपको लगी, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि दिस ड्रेस इज़ इनडिफरेंट, मतलब कि ये जो ड्रेस है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये लो क्वालिटी का है। या आपने कोई मूवी देखी है थिएटर में और आपको वो मूवी का स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं लगा, वो मूवी इतनी अच्छी नहीं लगी, आपको लगा कि बड़ी लो स्टैंडर्ड की मूवी है, ठीक है, इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि दैट मूवी वॉज इनडिफरेंट, मतलब कि वो मूवी जो थी वो बहुत ही लो क्वालिटी की थी, बहुत ही लो स्टैंडर्ड की थी। तो आई होप कि आपको इन डिफरेंट के दोनों मीनिंग्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। अब फर्स्ट एग्जांपल इज आई एम इनडिफरेंट अबाउट व्हाट पीपल से, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है या मैं केयर ही नहीं करता हूँ कि दूसरे लोग क्या कहते हैं, ठीक है। बहुत से लोग हैं ना उनको इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या कहते हैं। अगर कोई शख्स ऐसा है कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ही डजेंट इवन और शी डजेंट इवन केयर अबाउट इट, ठीक है, तो वो कह सकते हैं कि आई एम इनडिफरेंट, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आई हैव नो इंटरेस्ट कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। अ सेकेंड एग्जाम्पल इज इट्स ईजी टू बी इनडिफरेंट अबाउट सफरिंग इन द वर्ल्ड, कि ये बहुत आसान है कि इंसान जो है ना बिल्कुल ही इनडिफरेंट हो जाए दुनिया में जितनी भी इस वक्त सफरिंग्स चल रही हैं, जितने भी मसले मसाइल जुल्म सितम चल रहे हैं, ठीक है, जितनी भी तकलीफें चल रही हैं दुनिया के अंदर, ये बड़ा आसान है कि इंसान उन सारी चीज़ों के बारे में जो ना बड़ा लातालुक सा हो जाए, बड़ा ही इनडिफरेंट हो जाए, कि उसे कोई फ़र्क ही ना पड़े, उसमें कोई इंटरेस्ट होना, क्योंकि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में वो चीज़ें नहीं हो रही, उस पर इफेक्ट नहीं कर रहा, तो आप बड़े आराम से इनडिफरेंट हो सकते हैं उन चीज़ों के बारे में जो कि दूसरे लोगों की सफरिंग्स हैं, ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल इज द फूड वॉज इनडिफरेंट इन दिस रेस्टोरेंट, आई वॉन्ट विजिट इट अगेन, कि जो फूड था इस रेस्टोरेंट के अंदर वो बहुत ही इनडिफरेंट था, मतलब कि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, उसका स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं था और मैं इस रेस्टोरेंट में अब दोबारा कभी नहीं आऊँगा। ओके फ्रेंड्स, द लेसन हैज कम टू द एंड, आई होप दिस लेसन वॉज यूजफुल फॉर यू। इफ यू लाइक दिस लेसन, कैंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज़।